निशा डिजाइनर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, और हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कटोरी कटिंग की स्टिचिंग में मैं बता रही हूँ। ये मैंने ये जैसे डॉट का निशान लगा हुआ है मेरा, मैं इस पर पहले डॉट डालूंगी ये कटोरी पे, और इसकी स्टिच कर लूंगी यहाँ से। ये तो ये साइड का है हुक वाले का, अब ये सीधे साइड का भी लगा लें बिल्कुल। ये जो है एक इसको बीचों बीच में ऐसे करके और इसकी स्टिचिंग कर लें इसे। ये हमारी इसकी स्टिच हो गई है। अब इसको ये जो साइड कटिंग कर रखा हमने, ये वाला गोलाई वाला हिस्सा, ये मुड्डा है, इस गोलाई वाले हिस्से को यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको जोड़ें और कटोरी का हिस्सा ऊपर रखें ऐसे। ये कटोरी का हिस्सा जो है ऊपर होना चाहिए। देखिए स्टिच हो गया हमारा ये, और कितना ना इधर इधर बढ़ा है और ना इस साइड में बढ़ा है। तो कभी भी आप सिलेंगे तो इस कटोरी को ऊपर रखिए और जो ये वाला हिस्सा है गोलाई वाला इसको नीचे रखें, तो इससे हमारा क्या है ये बढ़ता नहीं है, इस साइड में भी इस साइड में भी। अब इसकी बेल्ट लगा देंगे हम यहाँ से ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे रख के बाहर के साइड में लेके और इसकी बेल्ट लगाइए। बेल्ट का कोई वो नहीं है, आप चाहे इसको ऊपर कर ले चाहे इसको ऊपर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बेल्ट अब इसके जो इसके ऊपर थोड़ा सा स्टिचिंग कर ले बेल्ट के ऊपर। अब इस पे पट्टी लगाए, ये सीधी पट्टी है, इसको डबल करके लगा ले ऐसे। ये हमारा सीधे हाथ का है, ऐसे रख ले अपने इसके ऊपर, सीधे हाथ पे हमने डबल पट्टी लगा देते, ये अंदर जाएगा हुक आई ऐसे। अब ये पूरा अंदर जाएगा ये पट्टी ऐसे, इसको तुरपाई के लिए ऐसे फोल्ड कर लें। देखिए ये हमारा पल्ला तैयार हो गया, ये हमने तैयार कर रखा है ये जी स्टिचिंग वाला, ये इसके ऊपर आएगा। ये देखिए ये भी बराबर आ रहा है हमारा, ये भी बराबर आ रहा है, तो हमारी दोनों की स्टिचिंग हो गई है। अब इसके कंधे जोड़ लेंगे, पीछे बैक का हिस्सा आएगा हमारा, इसके कंधे जोड़ लेंगे दोनों की कंधे जोड़ लेंगे। ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है अस्तर का है, कटिंग कर लेंगे। हमने कंधी जोड़ ली, ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, पूरा स्टिच हो गया ये।
बाजू पे जोड़ दिया, पट्टी भी लग गई है इसकी, इस साइड की भी बाजू भी हो गया है हमारा, बाजू में कोई झोल नहीं है और ये वाला बाजू भी हमने जोड़ लिया है। कटोरी इस साइड से ऐसे आपको जोड़ना बता दिया मैंने, ऐसे आ जाएगी पट्टी इस साइड की, ऐसे है ये पट्टी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी स्टिचिंग आपको अच्छे से देखने को मिल जाए। और हमारे अगर कोई स्टिचिंग आपको समझ में नहीं आती है, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपको किस तरीके से समझ में आएगा, उस तरीके से हम समझाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।